इंडियन मार्केट के अंदर इस साल कई व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी, बाइक्स और स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। और इसी देश के अंदर जो इंडिया की दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, वो भी इस साल अपने कई प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में पेश कर सकती है, मतलब लॉन्च कर सकती है। और इसी लाइन के अंदर हीरो मोटोकॉर्प ने इसी गुरुवार को एक नया स्कूटर लॉन्च किया है जो कि है डेस्टिनी 125, जो कि है XTEC। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा, हीरो डेस्टिनी 125 एक्सट्रैक के बारे में, किसके अंदर आपको अब कंपनी क्या क्या ऑफर करती है, इसकी प्राइस कितनी है और क्या क्या नए फीचर कंपनी ने ऐड की हैं, और उसके डिज़ाइन एलिमेंट में कुछ ऐड किया है नहीं किया, और अगर आप लोग खरीदते हो तो आपको कंपनी क्या ऑफर करती है, मतलब डिटेल बताऊंगा मैं। तो अगर आप लोग भी कोई नया स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो 2022 के अंदर पेट्रोल स्कूटर, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्या पता ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाए, आपके मन में बैठ भी जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपने वीडियो को। 2022 की हीरो डेस्टिनी 125 XTEC, इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प्स, एडवांस रेट्रो डिज़ाइन और क्रोम एलिमेंट देखने को मिल जाता है इसके डिज़ाइन में। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको खास क्या मिलेगा, तो जो नई हीरो डेस्टिनी 125 XTEC है, ये नए नेक्सा ब्लू कलर में आएगी। इसके अंदर आपको i3s टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलेगा, और फ्रंट के अंदर USB चार्जर, कॉल और SMS अलर्ट के साथ आपको इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कई सारे फीचर मिल जाएंगे जो कि आजकल सभी स्कूटर के अंदर कॉमन हो गया है। और इसके अंदर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ और सीट बैकरेस्ट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। नई डेस्टिनी 125 में आपको कई खास फीचर देखने को मिलते हैं। इसके मिरर पर आपको प्रीमियम क्रोम एलिमेंट्स, मफलर प्रोटेक्टर और हैंडल बार देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको XTEC बैजिंग देखने को मिल जाती है और डुअल टोन सीट मिल जाती है आपको इसके अंदर। और 2022 की जो डेस्टिनी 125 है, इसके अंदर आपको रंगीन इनर पैनल मिल जाते हैं जो कि इसके लुक को काफी अच्छे बनाते हैं। इसके फ्रंट में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और 2022 की डेस्टिनी 125 के अंदर आपको स्कूटर में साइड स्टैंड विजुअल इंडिकेशन और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जैसे फीचर मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी कीमत की, इसकी कीमत क्या है अब, तो हीरो डेस्टिनी 125 देश भर के अंदर हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप पे अवेलेबल है, और जो इसका वेरियंट अवेलेबल है वो सिर्फ स्टैंडर्ड वेरियंट है जिसकी कीमत 70,000 के आसपास है जो कि स्टार्टिंग प्राइस है। वहीं डेस्टिनी 125 XTEC की जो कीमत है वो 80,000 से स्टार्ट होती है। हीरो मोटोकॉर्प के स्ट्रेटेजी और ग्लोबल प्रोडक्ट प्लानिंग के जो हेड है, उन्होंने कहा है कि जो XTEC इन्होंने निकाला है नया, इसने अपना नाम बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी हीरो डेस्टिनी 125 का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर कंपनी कहती है कि बेस्ट फीचर उन्होंने ऑफर किए हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंग। अब ये तो देखने वाली बात है कि लोगों को कितना पसंद आता है, क्योंकि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट चल गया है और उसके अंदर जो फीचर मिलते हैं लोगों को सस्ते में अच्छे, उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि अब जो पेट्रोल स्कूटर कंपनी निकाल रही है वो इतने चलेंगे, क्योंकि लोगों को पेट्रोल की प्राइस से थोड़ा छुटकारा चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर दिला सकते हैं। और आपको पता ही है इंडिया के अंदर टू व्हीलर राइडर्स बहुत सारे हैं, मतलब जो टू व्हीलर यूज करते हैं बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोर व्हीलर। अभी तो देखने वाली बात है कि लोग उसको कितना प्रेफर करते हैं, कंपनी कितनी सेल होती है। बाकी अगर आप लोगों को बाइक्स कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी, मोटिव लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।